पल आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत महीनों से हमारे व्लॉग्स नहीं आए, करीब 2 महीने हो गए हमारे व्लॉग्स नहीं आए। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे फैमिली में एक और एडिशन हुआ है, वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, एंड हेंस कुछ नए ट्रिप्स हम लोग कर नहीं पाए हैं। बट येस, अब हम बहुत ही जल्दी कुछ ट्रिप्स प्लान करेंगे। सो ट्रिप्स से अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस ट्रिप्स का रहने वाला है बेबी के लिए, वो रहेगा एक कार सीट। तो हमने परचेज किया है एक कार सीट स्टार एंड डेजी का। ये है वो कार सीट, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको अनबॉक्सिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा है। हाउ इज़ दिस एंटायर कार सीट। ये आइसोफिक्स माउंट वाला कार सीट है जो कार के आइसोफिक्स माउंट्स में जाके फिक्स हो जाता है, इसमें सीट बेल्ट लगाना नहीं पड़ता है। सो हेंस दिस इज मोर प्रोटेक्टेड, आई मीन इट इज़ मोर सेफर। तो लेट्स सी ये कैसा है, हम इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताते हैं हमारा रिव्यू ऑफ द स्टार एंड डेजी का कार सीट। सो अभी मैं काटता हूँ इसको, इतना मैंने काट दिया। दो इसमें टैग्स लगे हुए थे के लिए हमें। पैकेजिंग के नाम पे सिर्फ एक डब्बा है और उसके अंदर ये कार सीट है। काफ़ी अच्छा पैकेजिंग किया है, बट मुझे लगता है कि अगर ये डैमेज होना होगा ना, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये सीट डैमेज हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे डैमेज हुआ है कि नहीं कुछ। बाकी ओवरऑल पैकेजिंग ठीक ही लग रहा है, डब्बा इतना भी मतलब ख़राब नहीं है। तो दिस इज हाउ दी कार सीट लुक्स लाइक, डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, दिखता अच्छा है। काफी प्रीमियम लुक है कार सीट का, फर्स्ट लुक अच्छा है। और इसमें अगर अपन देखें तो ये कुशन्स भी काफी नरम है, बच्चे के लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा आई थिंक, है इसके साथ आता है कुछ ब्रैकेट टाइप का है, इसमें दो ब्रैकेट्स हैं और एक मैनुअल है। ये 0 to 12 ईयर्स ऑफ किड्स के लिए है और आइसोफिक्स के साथ आता है। सो बाकी अगर आप देखेंगे तो फिनिशिंग, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है। काफी पॉश दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। अभी इसका हम आगे आपको डेमो देंगे गाड़ी में लगा करके। ये जो कार सीट है ये हमने कंपेयर किया था लव लैप और आर फॉर रैबिट की कार सीट्स के साथ में। इसके अलावा हमारे पास में कार के लिए, कार सीट के तौर पे यूज करने के लिए बेबी का कैरिंग कॉट लेने का भी ऑप्शन था, बट कैरिंग कॉट ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर सकते, वो हार्डली 6 महीने तक काम आता बेबी के, इसलिए हमने ये वाला प्रेफर किया लेने का, बिकॉज इसमें 0 to 12 ईयर्स तक के एक बच्चा आराम से आ सकता है। सो ट्राई करेंगे ये यूज़ करने का, अगर नहीं बात बनती है तो कैरी कॉट का सोचेंगे। अननेसेसरी 3000-4000 रुपीज़ का कैरी कॉट लेने का कोई मतलब नहीं पड़ रहा था। ये हमने स्टार एंड डेजी की वेबसाइट से लिया है, जिसका प्राइस हमें आफ्टर डिस्काउंट जो स्टार एंड डेजी के वेबसाइट पर मिलता है, हमें ये पड़ा है 7500 रुपीज़ में इंक्लूडिंग द शिपिंग चार्जेस। सो काफ़ी अच्छा डील मिल गया हम लोगों को, कुछ 10% का डिस्काउंट डायरेक्टली मिल गया स्टार एंड डेजी के वेबसाइट से और 2% का एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स। सो ओवरऑल अगर क्वालिटी में देखूँ तो काफ़ी अच्छी है, डैमेज कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट में, एंड जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। अभी देखेंगे बेबी फिट आता है कि नहीं आता और इसके फंक्शनैलिटीज़ कैसी है, एक एक करके हम लोग वो भी एक्सप्लोर करेंगे। सो ये कार सीट के साथ में आता है ये मैनुअल, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है इसको ऑपरेट कैसे करना है कार सीट को। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें एडजस्टेबल इंक्लाइन है जो कि इस सीट का इंक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसमें 3 मोड्स हैं अलग अलग, और दिस इज़ द फ्रंट फेसिंग इंक्लाइन विच इज़ फॉर किड्स अबव 1 ईयर ऑफ एज। सो अगर बच्चा 1 साल के ऊपर है तो
ये सामने की तरफ फेस करके कार में प्लेस किया जाता है। अगर बच्चा एक साल से छोटा है जो कि इन्फेंट्री कैटेगरी में आता है तो इस सीट को ऐसे रोटेट कर सकते हैं और अब ये बन जाता है आपके इन्फेंट के लिए एक कार सीट जिसमें इन्फेंट आराम से सो सकता है। सो बहुत आराम से इसमें आप बच्चे को सुला सकते हैं एंड देन इसका रिक्लाइन भी चेंज हो सकता है। सो ये दो मोड्स ऑफ रिक्लाइन है, इसमें बड़े आराम से प्लेस कराया जा सकता है बच्चे को। प्लस इसके अलावा यहाँ पे ये दो हार्नेसेस है और यहाँ पे इसका हुक है। सो 5 पॉइंट ये सेफ्टी हार्नेस है यहाँ पे। सो इसको अगर खोलेंगे तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये यहाँ पे निकल आता है। सो बहुत कंफर्टेबली बच्चा प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो हाइट एडजस्टेबल। मैं इसको सीधा करके बताता हूँ कि हाइट एडजस्टेबल कैसा है। इसे सीधा करेंगे हम इधर से। अभी मैंने सीट को सीधा कर दिया है और अगर मैं ये बच्चा बड़ा होने के बाद में यूज़ करना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ दिस लाइक दिस। ये चीज़ हटाई जा सकती है, इसका एक कुशन बन जाएगा एंड बाकी जो है ये काफ़ी बड़े बच्चे तक के यूज़ हो सकता है। सो क्वाइट यूज़फुल, अच्छा लगा ये चीज़। ये वापस नीचे चले जाता है एंड अगर आपको टाइट करना है इस हार्नेस को तो यहाँ से पुल करने से हो जाता है। सो ओवरऑल द क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी वाइज ये सीट काफ़ी अच्छी है, प्लस कुशंस भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। सो 3 पॉइंट प्रोटेक्शन दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, 1, 2 और ये 3। सो 3 प्रोटेक्शन के लेवल्स हैं यहाँ पे। बच्चे को जो साइड इंपैक्ट अगर होता है या साइड से अगर गाड़ी मूव करती है और जो मोशन होता है उससे बचाने के लिए 3 प्रोटेक्शन है। सो इसका क्वेश्चन हमको काफ़ी अच्छा लगा जो हमने ऑनलाइन भी देखे थे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सीट कार सीट्स, उसके मुकाबले इसका काफ़ी अच्छा है। सो एक लेवल ऑफ क्वेश्चन, 2 लेवल ऑफ क्वेश्चन और 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन। सो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा बच्चे के लिए। होपफुली आई थिंक प्रीतिशा कंफर्टेबल होनी चाहिए यहाँ पे। प्लस ये जो सीट हमने ख़रीदी है ये आइसोफिक्स माउंट्स के साथ में है। सो ये जो आप देख रहे हो, ये सीट गिरनी नहीं चाहिए, ये जो आप देख रहे हो दीज आर आइसोफिक्स माउंट्स। ये एंड तक चले जाता है और ये सीधे हमारे जो कार के सीट में आइसोफिक्स माउंट के क्लैंप्स है उसमें जाके बैठ जाएगा। सो इसका लेंथ भी एडजस्ट हो जाता है एंड देन अपने आप ये उसके लेंथ को एडजस्ट कर लेगा सीट के रिक्लाइन और सब चीज़ों के हिसाब से। काफ़ी अच्छा बनाया है। प्लस यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी लगा सकते हैं, अगर आपके गाड़ी में आइसोफिक्स माउंट्स नहीं है तो यहाँ पे सीट बेल्ट लग सकता है। यहाँ पे एक सीट बेल्ट का क्लैंप है यहाँ पे। प्लस ये साइड में नीचे के तरफ भी सीट बेल्ट के क्लैंप्स है जिससे ये सीट पूरी तरीके से बन जाएगी। सो फिर ये हिलेगी नहीं बेसिकली। अगर 3 पॉइंट सीट बेल्ट है तो आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो फैब्रिक है ये भी ब्रीदेबल है, सो इसमें होपफुली गर्मी नहीं होगी बच्चे को। तो ये सब देख के हमने लिया था सो दैट ये कई बारी प्लास्टिक का या लेदर टाइप का फिनिश होता है जिससे गर्मी होती है, तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ में हमने पढ़ा था। सो इसीलिए ये फैब्रिक का जो लिया है होपफुली इसमें गर्मी नहीं होगी बच्चे को। एंड बाकी कम्फर्ट लेवल तो टॉप नॉच लगता है। बाकी देखेंगे अभी कैसे यूज़ करते हैं हम लोग एंड कैसे इंस्टॉल होता है उस चीज़। हम लोग अभी लेके आ गए सीट को गाड़ी में नीचे पार्किंग में और ये जो आप दो टैग्स देख सकते हो ये आइसोफिक्स माउंट के टैग्स हैं। तो यहीं पे अंदर माउंट है, यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है, इधर भी फील हो रहा है। सो इसके लिए इन लोगों ने दो इस टाइप के ये खाँचे दिए हुए हैं प्लास्टिक के जो कि माउंट्स पे लगा देना पड़ेगा। कैसे हो सकता है, अच्छा ये ऐसे लगेगा शायद ऐसे। ये एक लग गया और दूसरा वाला
दूसरा भी लग गया। सो दोनों माउंट्स हमने लगा दिए हैं। माउंट्स के लिए जगह बन गई। सो यहाँ पे रेड कलर के माउंट है, जो आइसोफिक्स का जो क्लैंप है वो है, और ये जो है ये आइसोफिक्स का, इसको प्रेस करने से ये आगे चले जाता है। तो मैं इसको खोलूँगा और इसको भी पुश करके पूरा आगे तक लेके जाऊँगा। अब ये सीट को ये क्लिप लग गई और सीट भी फिक्स हो गई है। सो ये अभी फिक्स हो चुकी है। हाँ, अभी एकदम पक्की बैठ गई है। सो माउंटिंग हमने कर दिया है, और एक बार मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि इसका ग्रीन हुआ कि नहीं। हाँ, ये ग्रीन हो चुका है साइड से। मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन कैसे होता है। सो ये जो आप देख सकते हो, ये कलर ग्रीन हो गया है, विच मीन्स ये प्रॉपरली माउंट हो चुका है। और सिमिलरली दूसरी तरफ भी ये ग्रीन हो जाना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली माउंट हो जाए। और सीट को भी हमने पूरा पीछे पुश कर दिया है, तो ये अभी अच्छे से पैक हो चुकी है और इस तरीके से ये लग चुकी है। सो काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स हुई है। और अभी हम इसको उल्टा टिल्ट करके न्यूबॉर्न बेबी का जो पोजीशन है उसके इसमें रखते हैं। ये एक पोजीशन है रिक्लाइन की, दूसरी ये है। यही दो रिक्लाइन होते हैं जो सामने वाले तरफ होंगे। तो अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ये है, ये अब लॉक हो गया है। सो इस तरीके से हमें बेबी को रखना पड़ेगा। इसमें ये और दो बेल्ट्स दिए हुए हैं जो कि इसको सिक्योर करेंगे। बेसिकली ये ऐसे रहेगा एंड ये जाएगा पीछे की तरफ। अब इसमें मैंने हेडरेस्ट पे लगाया है इसको, अभी मैंने लूज किया और इसको मैं लेकर आऊँगा पीछे की तरफ। सो गाइज, ये है टॉप टेथर और इसको हमें यहाँ पे हुक करना पड़ेगा। ये जो मार्किंग बना हुआ है यहाँ और उस तरफ, वो दोनों टॉप टेथर के लिए है। ये है टॉप टेथर का हुक, ये यहाँ पे क्लिप हो गया। अब मैं अंदर से टाइट करूँगा इसको। ये जो चीज़ है ये अभी रेड दिखा रहा है, आप देख सकते हो ये रेड है। तो जब मैं इसको टाइट करूँगा तो ये ग्रीन होना चाहिए।